दोस्तों, जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत कठिन लगती होंगी कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, क्यों डरते हो मुश्किलों से? मुश्किलों से डर के मिलेगा क्या? आपके जो सपने हैं, क्या मुश्किलों से डर जाने से वो सपने साकार हो जाएंगे? कभी नहीं साकार हो पाएंगे। आज तक किसी का हुआ है साकार मुश्किलों से डर जाने से? मुश्किलों से हार मान लेना कि मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है मैं इसको छोड़ देता हूँ, बस उसका एक ही परिणाम मिलता है कि फेलियर आपके पार्ट में आता है। आप क्यों हार मान रहे हैं? आप अपने अंदर झांक किए, क्या मैं वो नहीं कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं? तब आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, और आपके अंदर वो ताकत है। ताकत पहचानेंगे कैसे? ताकत पहचानने के लिए एक ही चीज जरूरत है, वो है खुद से क्वेश्चन पूछना कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं सफल हो जाऊं। हमेशा ये पूछिए अपने आप से जवाब, क्योंकि जो आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे वही आपको आंसर मिलेगा। जब आप लो क्वालिटी का क्वेश्चन करेंगे तो आपको लो क्वालिटी का ही आंसर मिलेगा, जब हाई क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे तो हाई क्वालिटी का आंसर मिलेगा, और आंसर ही आपके विचार में आएंगे और विचार से आपके कार्य में आएंगे। इसलिए एक्शन तभी बढ़िया होगा जब आपके विचार यहाँ पे होगा। अच्छा, तो आपको पता चल जाएगा जिन लोगों ने भी इतिहास रखा है, जिन लोगों ने भी बड़ा काम किया है, उन सभी के सामने चुनौतियां आई, बस उन्होंने एक ही चीज किया गया, बस अपने आप को उससे लड़ने की ताकत पैदा की। जिस दिन आपके अंदर लड़ने की ताकत आ गई, जूझने की ताकत आ गई, आप विश्वास मानिए आप अपने सोचे हुए, अपने बनाए हुए लक्ष्य को, अपने टारगेट को आप पा जाएंगे। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है।